हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। मैं सिद्धांत स्वागत करता हूँ आपका पेपर आइगर चैनल में। आज मैं आपके लिए नया चैप्टर लेके आया हूँ जिसका हम स्टेंजा पढ़ेंगे। उससे पहले भी हम कुछ बातें जानेंगे, ठीक है? तो पहले हम चैप्टर देख लेते हैं कि कौन सा चैप्टर हमें पढ़ना है, ठीक है? तो आपके जो चैप्टर है उसका नाम है एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। यानी कि एलिजी एक फॉर्म होती है, जिस तरह से हमने पिछले कुछ चैप्टर्स में सोनेट पढ़े थे, उसी तरह से आज हम एक एलिजी एलिजी ये एलिजी भी नहीं होता है, इसको हम एलुजी बोलते हैं, ठीक है? एलुजी ई है लेकिन यू का प्रोनाउंसिएशन करेंगे, ये होता है एलुजी। तो एलुजी क्या होती है, सबसे पहले हम वो जान लेते हैं कि एलुजी जैसे सोनेट एक गाथा, इसमें एक स्टोरी वगैरह होती थी, ऐसे ही एक ये एलुजी है। तो ये होता है कि इसमें सीरियस रिफ्लेक्शन होता है, माने सीरियस बातों यानी गंभीर बातों का सीधा प्रभाव हम पे पड़ता है इस पोएम में, यानी इस टाइप की जो पोएम होती है एलजी वाली। ये किसी की स्पेशली यानी कि अधिकतर जो है किसी ना किसी की मृत्यु पर ही लिखी जाती है। इसमें कोई भी कहानी नहीं होती है, इसमें ना ही कोई राइम होती है, ना ही इसका कोई एक स्ट्रक्चर होता है। ऐसा नहीं है इसमें राइमिंग नहीं होगी। देखिए पहला वाला अगर देखेंगे लास्ट में मॉर्न आ रहा है, दूसरा वाला देखेंगे तो शेड आ रहा, ठीक है? इसमें राइमिंग नहीं हो पाती है, इसमें सीधे इमोशनली कुछ बातें कही गई होती हैं। इसमें क्या होता है कि पोएट जो है पहले अपना दुख बताता है। अभी हम जो कुछ स्टेंजा पढ़ेंगे स्टार्टिंग के, उनमें पोएम जो है अपना पोएट जो है वो अपना दुख बताएगा, लेकिन बाद में वो अपने आप को सांत्वना देता है, शांति देता है, ठीक है? तो ठीक है, चलते हैं, शुरू करते हैं। The breezy call of incense breathing morn। breezy call माने जो सुबह सुबह को हवा चलती है। इस ये स्टेंजा का जो मैं आपको कंटेक्स्ट बता देता हूँ, इसका स्टेंजा का जो कंटेक्स्ट वो ये है कि पोएट जो है वो सुबह सुबह का जो एक अच्छा मौसम होता है उस मौसम पे चर्च गया है। तो चर्च के पास में एक शमशान है, ठीक है? तो वहाँ वो ये देखता है कि कोई भी जो वहाँ पर समाधि बनी हुई है, जो बनी हुई है वो जो है गरीब लोगों की है, कोई भी अच्छी नहीं बनी है, जिससे वो समझ सकता है कि सारे के सारे जो समाधियां बनी हुई हैं वो गरीब लोगों की ही हैं, गरीब गांव वालों की हैं, ठीक है? तो वो ये कहना चाहता है कि सबको एक दिन मृत्यु प्राप्त होनी है, उसे भी होनी है, पोएट को भी होनी है, ठीक है? तो चलिए पढ़ते हैं। द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मोर, यानी कि हवा चलती है जो सुबह को जो हवा चलती है वो बहुत ही ज्यादा क्या है, इंसेंस ब्रीदिंग मीन्स खुशबूदार है, सुबह को बहुत ही ज्यादा खुशबूदार हवा चलती है। द स्वेलो ट्विटरिंग मीन्स होता है चहचहाना, स्वेलो बर्ड्स चहचहा रहे हैं फ्रॉम द स्ट्रो बिल्ट शेड, अपने जो स्ट्रो मीन्स घास फूस के जो घोंसले हैं उसमें बैठकर चहचहा रहे हैं। ये सुबह का मॉर्निंग का सीन बताया गया है। द कॉक्स श्रिल क्लेरियन और द इंकरिंग हॉर्न, क्लेरियन का मीन्स होता है मुर्गे की बांग, यानी कि जो कॉक्स श्रिल क्लेरियन मतलब मुर्गे की जो बांग है, या फिर द इंकोइंग हॉर्न है, कोई भी कितना भी अधिक शक्तिशाली हॉर्न बजाने वाला हॉर्न, ठीक है, वो है। नो मोर शैल राउज, कोई भी उन्हें नहीं उठा सकता है, देम फ्रॉम देयर लोली बेड, जिस बेड पर वो लेटे हुए हैं, जिस तरह के बेड पर वो लेटे हुए हैं, कौन, यहां पर समाधियां हैं जो गरीब लोगों की, वो जो लेटे हुए हैं वो तो मृत हो चुके हैं, तो वो कह रहा है कि
मुर्गे की जो बांग है वो कितनी भी तेज हो, चाहे कोई कितना भी बजने वाला एक हॉर्न हो, वो उन्हें उनकी अवस्था से नहीं उठा सकता है। ठीक है, रिफ्रेश देखेंगे। दिस स्टेंजा इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एलिजी रिटन। यह स्टेंजा इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, लिया गया है फ्रॉम एलिजी रिटन। एलिजी से रिटन है, कहाँ पे रिटन है? कंट्री चर्चयार्ड में। कंपोज्ड बाय थॉमस ग्रे, जिसके जिसको कंपोज किसने किया है, कौन है इसके राइटर? थॉमस ग्रे, वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड पोएट्स ऑफ द एज ऑफ ट्रांजिशन, यानी के बदलती दुनिया के साथ बदलने वाले, अपने विचारों को बदलने वाले रिनॉन्ड, अपने आप में एक बहुत बड़े व्यक्ति कवि थॉमस ग्रे की है। ठीक है, दिस पोयम इज कंसिडर्ड टू बी, यह पोयम बताती है डिक्लेरेशन तथ्य रोमांटिज्म इन इंग्लिश पोइट, प्राकृतवाद, प्राकृतवाद को बताती है यह पोयम। यह डिक्लेरेशन मीन्स घोषणा करती है, यह पोएम घोषणा करती है प्राकृतवाद की, यानी कि प्रकृति की चीजों के बारे में बताती है। द पोएट इज प्रेजिंग द पुअर, पोएट जो है वो प्रेजिंग प्रशंसा कर रहा है पुअर, द पुअर, यहाँ पर एक गरीब की बात नहीं हो रही, द लग गया ना, पूरी गरीब प्रजाति की बात हो रही है। इनोसेंट विलेजर्स, इनोसेंट विलेजर्स, ठीक है, गांव वाले। एंड पेज आ ट्रिब्यूट, और ट्रिब्यूट देता है, नमस्कार करता है इसको, म्यूज सरस्वती को, सिंप्लीशंस भोली, सिंप्लीशंस मीन्स होता है भोली, भोली सरस्वती को क्या देता है? ट्रिब्यूट देता है एक। ही इज सिटिंग, वह बैठ रहा है ऑल अलोन, अकेला इन द चर्च यार्ड, यानी कि वह चर्च यार्ड में अकेला बैठा हुआ है। इट इज इवनिंग स्लोली चेंजिंग इन टू द डार्कनेस, और अब जो है वो इवनिंग हो रही है धीरे धीरे, चेंजिंग इन टू डार्कनेस, अंधेरा हो रहा है, बदल रहा है अंधेरे में, डार्कनेस ऑफ नाइट, रात के अंधेरे में, जो शाम है वो रात के अंधेरे में बदल रही है। एंड सडनली, और अचानक ही नोटिसेस, और वह नोटिस करता है द ग्रेव, समाधियां ऑफ डेड ओल्ड विलेजर्स, जो मरे हुए बूढ़े विलेजर्स हैं गांव वाले, स्प्रीडिंग ऑल अराउंड हिम, उसके आसपास बैठी हुई, उसे ऐसा लग रहा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन, ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखिए। इन दीज लाइन्स द पोएट डिस्क्राइब्स, इन लाइनों में पोएट बता रहा है सम ब्यूटीफुल नेचर, कुछ खूबसूरत प्रकृति सीन्स, यानी कि प्रकृति के सीन्स, इन द मॉर्निंग, सुबह के समय में, इन द विलेजेस, गांव में। ठीक है, दे आर वेरी स्वीट, वह बहुत ही अच्छे हैं, एंड चार्मिंग, लुभावने हैं, अपनी ओर आकर्षित करने वाले हैं। द स्वीट विंड ब्लोज, मीठी हवा बह रही है, ऑल अराउंड इन द मॉर्निंग, चारों तरफ सुबह के समय। इट इज फुल ऑफ स्मेल, यह खुशबू से भरपूर है, ऑफ दी फ्लावर्स, फूलों की, ब्लॉसमिंग एट द ब्रेक ऑफ द डे, यानी कि दिन के खत्म होने तक यह रहेगी। एंड स्प्रीड्स विद द विंड, और घुल रही है विद द विंड्स, हवा के साथ। दी वर्ड्स आर आल्सो हैप्पी, पक्षी जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। एंड फ्रॉम देयर नेस्ट, और अपने घोंसलों से, दे सिंग स्वीट सॉन्ग, वह मीठा मीठा गाना गा रहे, गाते हैं। ठीक है, इट्स साउंड आल्सो रीचेस फार, इनकी जो आवाज़ है वो बहुत दूर तक जाती है, एंड वाइड, और लंबे समय तक जाती है। एंड प्लीजेज एवरी बडी, और हर किसी को आनंद देती है। द कॉक साउंड्स लाउडली,
मुर्गा जो है वो बहुत ही तेज चिल्लाता है, एज इफ मेकिंग अ डिक्लेरेशन, और यह बताता है, यह घोषणा करता है दैट कि द डे हैज ब्रोकन, जो दिन है वो निकल चुका है, एंड द पीपल शुड गेट बिजी विद देयर वर्क। जो लोग हैं शुड गेट बिजी विद देयर वर्क, अपने काम में बिजी होने वाले हैं, व्यस्त होने वाले हैं। इट इज एज, यह ऐसा ही है, इफ ही इज सेइंग, कि वह कहे कि हिज मॉर्निंग प्रेयर, अपनी सुबह की प्रार्थना, द हंटर्स हैव बीन हंटिंग इन द फॉरेस्ट, जो शिकारी हैं वो शिकार करने चले गए हैं जंगल में, ऑल नाइट एंड एज द मॉर्निंग ब्रेक्स, और पूरी रात करेंगे, और उसके बाद जैसे ही दिन खत्म होगा उसके बाद, ठीक है, दे रिटर्न एंड एंटर द विलेज, वे वापस आते हैं और गांव में प्रवेश करते हैं। एट दिस टाइम दे साउंड देयर हॉर्न विच, इस समय पर दे साउंड देयर हॉर्न, वे चिल्लाते हैं, विच इनकोज एवरीवेयर, जो सभी को इनकोज करता है, सुनाई देता है हर जगह। ऑल दीज सीन्स आर वेरी अट्रैक्टिव, ये जितने भी दृश्य हैं वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव हैं, लुभावने हैं, ठीक है, बट द पोएट पॉइंट्स, लेकिन पोएट जो है वो पॉइंट्स आउट करना चाहता है कि दीज थिंग्स कैन नॉट मेक द डेड मैन, ये जो चीजें हैं वो किसी भी मृत व्यक्ति को जगा नहीं सकती, जिंदा नहीं कर सकती, चाहे शिकारी कितनी भी तेज चिल्लाए, चाहे मुर्गा कितनी भी तेज बांग मारे, लेकिन ये सारी जो चीजें हैं वो एक मृत व्यक्ति को उठा नहीं सकती, जीवित नहीं कर सकती। द मैन वंस डेड, जो व्यक्ति एक बार मर जाता है, इज गोन फॉर एवर, वह हमेशा के लिए चला जाता है। एंड नो चार्म, कोई भी आकर्षण, नेचुरल और ह्यूमन, चाहे वो प्राकृतिक हो चाहे हो मानवीय हो, कैन ब्रिंग हिम बैक टू लाइफ, नहीं ला सकता उनके जीवन को वापस। ठीक है, कमेंट्स पढ़ते हैं। दीज लाइन्स आर वेरी पॉपुलर, ये लाइन्स जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हैं। लाइक अ ट्री रोमांटिक पोएट, ट्रू रोमांटिक पोएट, एक सच्चे रोमांटिक पोएट की तरह, ग्रे आल्सो शोज हिज इंटरेस्ट इन वेरियस नेचर, यानी कि ग्रे जो है, थॉमस ग्रे जो है, वो दर्शाते हैं अपना इंटरेस्ट किसमें, वेरियस नेचर ब्यूटी, इस तरह तरह की प्राकृतिक रचनाओं में, सुंदरताओं में, विच लेटर बिकेम, जो बाद में द फाउंडेशन ऑफ रोमांटिक रिवाइवल, जो उनके फाउंडेशन बन जाती हैं, उनके जीवन का जो है एक लक्ष्य निर्धारित कर देती हैं। रोमांटिक रिवाइवल ही स्ट्रेसेस द फैक्ट, बाय इस फैक्ट को बताना चाहता है कि दैट इज द इटर्नल ट्रूथ ऑफ लाइफ, यानी कि जो मृत्यु है वो शाश्वत सत्य है, हर किसी को एक ना एक दिन मरना ही है। अ डेड मैन विल नेवर कम टू लाइफ, एक मरा हुआ व्यक्ति कभी भी जीवन की ओर वापस नहीं आ सकता। दिस फीलिंग ऑफ डेथ हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, यह जो फीलिंग है मृत्यु की, बिकम द मोस्ट पावरफुल, सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रोमांटिक पोइट्री, जो इस रोमांटिक पोइट्री का चरित्र निर्धारण करती है। माने हमने ये देखा कि एलिजी है, एलिजी में हमने क्या बताया कि इमोशनल ही होता है, सैड ही होता है, और किसी ना किसी की मृत्यु के बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट स्टेंजा हम आपको नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे, अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, हमारे चैनल बोलें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आपके जितने भी जानने वाले साथी हैं उन तक पहुंचाएं। धन्यवाद, कल मिलते हैं,
नेक्स्ट, ठीक है।